हेलो फ्रेंड स्वागत है आपके ही चैनल फैंटेसी डॉक्टर में एक बार फिर से जो मैच हम इस वीडियो में कवर करने जा रहे हैं वो होने वाला है यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया वर्सेस वेस्ट इंडीज के बीच यहाँ पे जो फर्स्ट वनडे मैच होने वाला है इस मैच की वीडियो वीडियो इंपॉर्टेंट रहेगी एज ऑलवेज आपके लिए इस वीडियो में आपके साथ स्मॉल लीग की टीम प्लस ग्रैंड लीग की चार टीम्स प्लस वेदर न्यूज प्लस पिच रिपोर्ट कौन सी टीम स्ट्रॉन्ग रहेगी कौन सी वीक रहेगी इन्वेस्टमेंट कैसे करनी और बाई की पिक्स आपके साथ शेयर करेंगे और अगर आपको ऐसी ऐप आप चाहिए जिसपे अपना ट्वेंटी एट परसेंट जीएसटी बचा सको थर्टी परसेंट टी सेव कर सको तो ऐसी ऐप आप में आपको टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन करोगे तो वहां बताऊंगा और आपके लिए जो है वो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना बहुत इंपॉर्टेंट है तो फाइनल टीम भी वही मिलेगी आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कैसे करना है आपको करना क्या है वीडियो के नीचे जहां कमेंट कर दो वहां आपको हमारे टेलीग्राम चैनल का ब्लू कलर का लिंक दिखाई देगा सबसे ऊपर मैंने कमेंट सेक्शन में अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक पिन किया हुआ है जैसे ब्लू कलर के टेलीग्राम चैनल के लिंक पे आप क्लिक करोगे टेलीग्राम चैनल ओपन हो जाएगा देन उसको आपको ज्वाइन कर लेना तो इस प्रोसेस के थ्रू आप हमारे टेलीग्राम के रियल और ओरिजिनल चैनल के साथ जुड़ सकते हो क्योंकि फैंटेसी डॉक्टर के नाम से आपको टेलीग्राम पे बहुत सारे फेक चैनल मिल जाएंगे जो आपसे पैसे चार्ज करेंगे बट हमारा जो टेलीग्राम चैनल है बिल्कुल फ्री है बिंदास जाके ज्वाइन करो जो लिंक है वो वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन मिल जाएगा और आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने के बहुत फायदे भी मिलेंगे जाके आप चेकआउट जरूर करना देखो जो वेन्यू है वो है यहाँ पे मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड मेलबर्न में मैच है ध्यान रख के चलना वेदर क्लियर है रेन का कोई भी थ्रेट नहीं है इन्वेस्टमेंट मीडियम करेंगे टीम कौन सी जीतेगी मेरे अकॉर्डिंग यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया के जीतने के हाई चांस है इन्वेस्टमेंट का जो पैटर्न रहेगा मतलब टोटल जितना भी आप मैच में इन्वेस्टमेंट करोगे उसका सिक्सटी परसेंट टेन प्लस वन कॉम्बिनेशन में करना और फोर्टी परसेंट सेवन प्लस फोर में तो थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट टेन प्लस वन कॉम्बिनेशन में ज्यादा रखना है आपको मैं दोनों कॉम्बिनेशन अकॉर्डिंग टीम देने वाला हूँ और टीम कौन सी जीतेगी बता दिया फॉर्मेट वनडे का है फिफ्टी फिफ्टी ओवर्स का एक्सपेक्टेड स्कोर ढाई के अराउंड रहेगा और मुझे लगता है अगर वेस्ट इंडीज पहले बैटिंग करेगी तो शायद दो के नीचे भी स्कोर हो सकता है अगर ऑस्ट्रेलिया बैटिंग करेगी 300 प्लस भी देखने को मिलता है बट एवरेज स्कोर इस ग्राउंड पे ज्यादा हाई नहीं है टाइम जो है वो 9 बजे का मैच रहने वाला है इंडियन टाइम के अकॉर्डिंग जो ऑस्ट्रेलिया का टाइम रहेगा वो ढाई बजे रहेगा ऑस्ट्रेलिया का टाइम तो ढाई बजे का मतलब ये है कि डे नाइट मैच है और डे नाइट का मतलब यह है कि सेकंड इनिंग में जो बॉलिंग करेगी टीम उसको नाइट में बॉलिंग करनी पड़ेगी और ड्यू आएगी तो बाद में बॉलिंग करने में प्रॉब्लम आएगी तो मुझे लगता है टीम को टॉस जीत के पहले बॉलिंग करने का डिसीजन लेना चाहिए क्योंकि अगर ड्यू आई बाद में तो प्रॉब्लम हो जाएगी टॉस जीत के बॉलिंग करने का डिसीजन एक एक रैशनल रहेगा ध्यान रख के चलना बाकी पिच रिपोर्ट बैटिंग के लिए अच्छे पिच है बट ऑल ओवर देखा रहे थे एक बैलेंस पिच बोला जाता है यहाँ पे मेलबर्न को क्योंकि बैटिंग के लिए पिच तो अच्छी है बट यहाँ पे जो बाउंड्री से वो बड़ी है जिसके कारण जो है कि बैलेंस पिच हो जाती है बॉलर्स को अभी हेल्प मिलती है बड़े बाउंड्रीज होने की वजह से क्योंकि अगर बैट्समैन को छक्के या चौके मारने बाउंड्रीज लगाने तो उनको बहुत पावर चाहिए अगर बैट्समैन गलती से मिस टाइम होता है तो विकेट लॉस कर देता है आपने बिग बैश में भी देखा होगा इस ग्राउंड पर रन बनाना उतना आसान नहीं है टॉप टेन विकेट टेकर्स की लिस्ट निकालोगे इंटरनेशनल वनडे में उसमें सिर्फ दो ही स्पिनर्स हैं तो इस ग्राउंड में फास्ट बोलर ने कंपैरेटिवली विकेट ज्यादा लिए हैं बाउंड्रीज जो है वो स्क्वायर बाउंड्रीज मतलब लेफ्ट साइड की बाउंड्रीजे बहुत बड़ी है सेवेंटी फोर मीटर की एवरेज बाउंड्री है तो मतलब लेफ्ट साइड की बाउंड्री इतनी बड़ी अगर आपको छक्का लगाना है तो जान चाहिए और स्ट्रेट बाउंड्री सामने की तो बहुत बढ़िया है अस्सी से पिचासी मीटर की ध्यान रखिए चलना बड़ी बाउंड्रीज यहाँ का एक चीज है जो बॉलर को फेवर करती है अदरवाइज यहाँ पे इस ग्राउंड में अगर छोटी बाउंड्रीज होती है तो फिर बैट्समैन हावी जाते हैं बाई की जो पिक है अगर ऑस्ट्रेलिया पहले बैटिंग करती है तो ओशन थॉमस कैमरन ग्रीन शेफर्ड और जोसेफ को बाय कर लेना अगर ऑस्ट्रेलिया पहले बॉलिंग करेगी तो एबर्ट और ग्रीन को देखो यही वो ऐप है जिसमें जीएसटी और टीडीएस दोनों सेव कर सकते हो और इस ऐप की मैंने एक्सप्लेनेशन वीडियो सब कुछ मैंने टेलीग्राम पे शेयर करा है और रेफर कोड वही आपके लिए सेम एज ऑलवेज रहेगा डॉक्टर डीओसी टी ओ आर और ऊपर आई बटन पे भी चेक कर लेना इस वीडियो के बारे में आपको पता चल जाएगा बाकी मैंने इस ग्राउंड पे वन फोर्टी सेवन इंटरनेशनल वनडे मैचेस खेले 73 बैटिंग फर्स्ट और सेकंड सेकेंड करने वाली टीम ने जीते हैं तो ऐसा कोई एडवांटेज या डिसएडवांटेज नहीं ऐसा नहीं है कि बैटिंग पहले करो तो बाद में पिच स्लो हो जाएगी ऐसा कोई नहीं है बट जो नाइट मैच है तो वहां पर थोड़ा बाद में बैटिंग करने वाली टीम को एडवांटेज रहेगा टाई एक मैच हुआ है एवरेज स्कोर इस ग्राउंड पे ज्यादा बड़ा नहीं है दो सौ पच्चीस है हाइस्ट स्कोर तीन सौ पचपन है और लोएस्ट यहाँ पे नाइनटी फोर है इंग्लैंड का टोटल 147 फोर्टी सेवन मैचिस जिसमें यहाँ पे सबसे ज्यादा बार 200 से 250 के बीच में स्कोर रहा है 65 और बिलो 200 के नीचे यहाँ पे चौवालीस बार 250 से 300 के बीच में 24 बार और सिर्फ सौ सैंतालीस में चौदह बार ही ऐसा गया कि 300 के ऊपर स्कोर गया मतलब हर 10 मैच में सिर्फ एक ही मैच ऐसा आता है जो यहाँ पे 300 के ऊपर स्कोर जाता है तो ढाई एवरेज स्कोर मान के चल सकते हो मोस्ट इस ग्राउंड पे जो है रिक्की पॉन्डिंग इकतालीस मैचेस में दो से ऊपर रन मोस्ट विकेट शेन वॉन के इक्कीस अट्ठाईस मैच में छियालीस सिर्फ दो ही स्पिनर्स है टॉप टेन विकेट टेकर्स की लिस्ट में जिसमें शेन वॉन नंबर वन पे है एवरेज रन पर ओवर 4.50 मतलब हर ओवर में अगर 4.50 पॉइंट के एवरेज से रन बनेंगे 50 ओवर से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा आपको ऑलमोस्ट 225 के आसपास एवरेज रन पर विकेट यहाँ हर उनतीस रन के बाद एक विकेट गिरते अगर कोई मान के चलो टीम दो सौ के आसपास स्कोर करते तो उनके आठ विकेट के आसपास गिर ही जाएंगे तो विकेट काफी गिरते हैं पॉसि प्लेंग इलेवन जो है ऑस्ट्रेलिया की वो ट्रेविस हेड एक्सपेक्टेड है कि ओपन करेगा लेफ्ट हैंड बैट्समैन ऑफ स्पिन बॉलर है इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है क्योंकि मोस्ट इंडियन प्लेयर मतलब पीपल हेट करते हैं क्योंकि फाइनल जिस तरीके से इंडिया को हराया और दूसरा वर्ल्ड कप चैंपियनशिप में भी इंडिया को हराया एक तरीके से दो दो टाइटल्स इंडिया से छीने हैं बट वही प्लेयर है तो बढ़िया प्लेयर है लेफ्ट बैट्समैन ऑफ स्पिन बॉलर है अभी रिसेंट दो टेस्ट मैच की सीरीज हुई थी जिसमें सेकंड टेस्ट मैच में ये बैक टू बैक दो बार जीरो पे आउट हो गया था पहले इनिंग में भी पहली बॉल पे जीरो दूसरे में भी दो पे जीरो बट पहले मैच में जो रहा था इसमें एक मैच में एक सौ उन्नीस रन बनाए थे तो आउट ऑफ फॉर्म नहीं है बट कई एक बार एक मैच ऐसा आता है जिसमें बहुत बेकार जाता है और वैसे भी गाबा में गाबा में मैच था जो जिसमें दो बार जीरो आउट हुआ है उससे पहले भी गाबा में एक बार जीरो पे आउट हुआ था तो रिकॉर्ड अच्छा नहीं है यहाँ पे हीट हिट गाबा ये टेस्ट मैच की बात कर रहा करूं बट हीट इंपॉर्टेंट है एज एन ओपनर आएगा

और लास्ट टेस्ट मैच में बहुत अच्छी इनिंग खेली थी टेस्ट मैच में ओपनिंग करने नाइनटी वन पे नॉट आउट रहा था स्टार्टिंग से लेके एंड तक बट आठ रन से आई थिंक हार गए थे तो स्टीव स्मिथ अच्छी फॉर्म में ले सकते हो मार्नस लाभूशन थोड़ा अभी टेस्ट मैच से रहे थे आ, दो मैच रहे टेस्ट मैच की के इंडीज के अगेंस्ट थोड़ा उसमें आउट ऑफ फॉर्म था एक मैच अभी बीस के ऊपर स्कोर नहीं कर पाया तो थोड़ा फॉर्म से यहाँ पे स्ट्रगल कर रहा है लाभुशीन कैमरिन ग्रीन राइट हैंड बैट्समैन फास्ट बॉलर कैप्टन का बेस्ट ऑप्शन इसलिए रहेगा आप एकता को मिडिल ऑर्डर बैटिंग से कंट्रीब्यूट करते हुए नजर प्लस आपको बॉलिंग से कुछ ओवर सात छह से सात ओवर शायद बॉलिंग करते हुए नजर आए तो कैप्टन बहुत अच्छा ऑप्शन है 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 अगर ऑस्ट्रेलिया पहले बैटिंग करती है। बाकी पे कांग्लिस है राइट हैंड बैट्समैन विकेट कीपर है अभी बिग एंड बैट्स अच्छा रहा है तो कंसीडर कर सकते हो थोड़ा बैटिंग ऑर्डर नीचे इसलिए शाही है वेस्ट इंडीज का वो बेस्ट ऑप्शन रहेगा क्योंकि कैप्टन भी और अच्छा प्लेयर भी और बैटिंग भी ऊपर करता है हार्डी राइट हैंड बैट्समैन है फास्ट बॉलर है इनफॉर्म रहा था अभी बिग बैश लीग में और अपनी टीम का कैप्टन भी था स्कॉचर्स का एस्टर्न टर्नर के इंजर्ड के बाद तो कहीं ना कहीं मैं बोलूंगा कि यहाँ पे हार्डी थोड़ा बैटिंग ऑर्डर के लिए कन्फ्यूजन रहेगा कि बैटिंग ऑर्डर काफ़ी नीचे आएगा और बॉलिंग तो करता है बट उतनी एक्सपेक्टेशन नहीं है बॉलिंग से जितना एज एन ऑलराउंडर अगर टॉप ऑर्डर में आता तो इसलिए मिनी ग्रैंडली ग्रेंडली के लिए एक अच्छा ऑप्शन है सीन एबोर्ट का बिग बैश सीजन मेरे मैंने ऐसा बिग बैश में जितने सीजन देखे हैं एबोर्ट का सबसे बेकार सीजन रहा था यह वाला और बिग बैश की हिस्ट्री में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाला बॉलर भी बट जो लास्ट मैच रहा था उसमें चार विकेट निकाले थे एबोर्ट ने फाइनल में तो अच्छा प्लेयर है और यहाँ पे एक्सपेक्टेड अगर दस ओवर करेगा तो शायद दो तीन विकेट निकाल के प्लस बैटिंग भी कर लेता है जैम्पा को मिस नहीं कर सकते और सबसे ज्यादा विकेट इस ग्राउंड में किसी के शेन वन के तो ये भी लेग स्पिन बॉलर है तो इंपॉर्टेंट रहेगा थोड़ा बिग बैश का सीजन जैम्पा अच्छा रहा नहीं था बट सामने जो टीम है वेस्ट वेस्टइंडीज पे स्पिन को उतना अच्छा नहीं खेल पाते बार्टलेट अभी बिग बैश सीजन में इस साल सबसे ज्यादा विकेट लेने वाला बॉलर इसलिए रिवॉर्ड किया गया है टीम ने टीम में सेलेक्ट करके तो अच्छा कर सकता है एटलीस्ट मिनी ग्राइंडिंग में या ग्राइंडिंग में जरूर ट्राई करना पावर प्ले में बहुत अच्छी बॉलिंग करता है और डेथ ओवर से भी बॉलिंग अच्छी की थी सीजन बिग बैश में लेंस मॉरिस को जो इसका निकले हमें वाइल्ड थिंग है मतलब इसके पास जो बॉलिंग पेस है वो बहुत रेयर और बहुत ही अच्छी स्पीड से बॉल डालता है और इस सीज़न बिग बैश का यहाँ पे मॉरिस का बहुत अच्छा रहा डेढ़ के ऊपर स्पीड डालता है बॉल को और दूसरा एक सीजन एक मैच में इसने पाँच विकेट भी लिए थे आपको याद होगा जिसमें हमारी टीम में था ये तो स्पीड वाला बॉलर है और विकेट टेकर है बाकी दैस ओवर से पंद्रह से बीस सॉरी चालीस से पचास ओवर के बीच में मॉरिस एबर्ट और ग्रीन बॉलिंग करते हुए नजर आएंगे और बाटलेट बाटलेट भी बेंच में यहाँ पे है जेक मैक फ्रेशर मैगन जिसका भी बिग बैस सीजन बहुत अच्छा रहा दस में से सात आठ मैच में परफॉर्म कर रहा था और सबसे बढ़िया बैट इसकी बैटिंग देखने मजा बड़ा आता है अच्छे शॉट्स मारता है बट लेग साइड में ज्यादा शॉट्स को खेलता है और दूसरा भी यू ए टी ट्वेंटी भी खेल रहा था वहां भी इसने दो तीन मैच खेले वहाँ भी अच्छी बैटिंग है तो एक अच्छी फॉर्म से गुजर रहा है बट देखते टीम मौका देती है नहीं देती सदरलैंड का भी बिग बैश का सीजन अच्छा रहा बैटिंग प्लस बॉलिंग से तो कंसीडर कर सकते हो बिग बैश में सीजन एक हाफ सेंचुरी लगाई थी अब दिक्कत ये किसकी किस जगह जगह बनेगी वो देखने वाली बात है तो हार्डी की जगह खिलाना पड़ेगा बाकी इंपॉर्टेंट बोलोगे तो टॉप फोर टॉप फाइव नीचे आओगे तो यहाँ पे जैम्पा एबर्ट और मॉरिस इंपॉर्टेंट रहेंगे वेस्ट इंडीज के बारे में अगर बात की जाए तो यहाँ पे अलिकस लेफ्ट हैंड बैट्समैन अभी रिसेंट देखा ही होगा इंग्लैंड वर्सेस जो वेस्ट इंडीज की सीरीज उसमें अच्छी फॉर्म है था। में था वनडे में एलिक हैथनेस बहुत अच्छी टेक्निक है बैटिंग करने की टेस्ट मैच में थोड़ा आउट ऑफ फॉर्म नजर आया उतनी अच्छी इनिंग्स बड़ी इनिंग्स खेल नहीं पाए बट अच्छा प्लेयर है फ्यूचर प्लेयर है वेस्ट इंडीज का कंसीडर कर सकते हैं एटलीस्ट मिनी ग्रैंड लीग ग्रैंड लीग में टी इमल्स राइट एंड बैट्समैन किसॉन ओटली दोनों में से कोई एक खेलेगा दोनों ही नए प्लेयर है मेरे को इतनी एक्सपेक्टेशन नहीं है तो मैं कंसिडर नहीं कर रहा टीम में स, केसी का टी इनकी टीम का जो ऐसा प्लेयर रहेगा जो थोड़ा स्लो खेलता है ऐसा खेलेगा चालीस बॉलों में पंद्रह बीस रन तो बहुत स्लो खेलता है और एक एंकर का रोल प्ले करेगा वन साइड को बचाने का काफी स्लो आते कई बार तो बहुत स्लो आता है चालीस पचास बोल में दस बारह रन मारता तो बहुत स्लो हो जाता है कई बार और टीम को उल्टा उल्टा पड़ जाता है कई बार शाई होप की इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है कर, इनकी टीम से किसी को वाइस कैप्टन कैप्टन करना है दो ही अच्छे ऑप्शन एक है, होप है एक शेफर्ड है होप अच्छी फॉर्म में था अभी रिसेंट वनडे सीरीज में आपने देखा ही होगा पहला वनडे जो रहा था वेस्टइंडीज के साथ इंग्लैंड को उसमें अपने दम पे जिताया था सेंचुरी मार के लास्ट में और शिफर्ड ने भी अच्छा रोल प्ले किया था जो रिसेंट फॉर्म में अच्छे चल रहे हैं वनडे में वो शिफ्ट और होप चल रहे हैं अभी शिफ्ट भले ही यहाँ पे साउथ अफ्रीका टी ट्वेंटी लीग खेल रहा था वहां उतने अच्छा टच में नजर नहीं आया था बट अच्छे फॉर्म में दोनों के दोनों को बिल्कुल मदद करना चाहे वेस्ट इंडीज पहले बैटिंग करे चाहे बाद में ये आपको एज एन ऑलराउंडर बैटिंग प्लस बॉलिंग दोनों से कॉन्ट्रीब्यूट करके देगा और तीन में से दो वनडे मैच में जिताने में शिफर्ड का भी हाथ था इंग्लैंड के अगेंस्ट शाई होप आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा अच्छी फॉर्म में था होज ने भी टेस्ट मैच में अच्छी बैटिंग करी एक बहुत वर्ल्ड क्लास बॉलिंग के सामने पैट स्टार हेजलवुड लायन एक हाफ सेंचुरी लगाई सेकंड टेस्ट मैच में तो अच्छा प्लेयर ये भी है बट मैं ग्रैंड ग्रैंडलिग मी ग्रैंड लीग के लिए रिकमेंड करूंगा ग्रीव ने भी टेस्ट मैच में ठीक ठाक ही परफॉर्मेंस करी चेज अभी बांग्लादेश प्रीमियर लीग खेल रहा था अच्छा परफॉर्मेंस करा तीन चार मैचेस खेले जो भी बैटिंग और बॉलिंग दोनों बॉलिंग से ज्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन रहा बैटिंग से उतना नहीं रहा मैथ्यू फोर्टे यंग प्लेयर है अभी रिसेंट इसको वनडे मैच में मौका मिला था वेस्टइंडीज के अगेंस्ट पहले में इसने तीन विकेट लिए थे और ये बांग्लादेश प्रीमियर लीग भी खेल रहा था वहां भी अच्छी परफॉर्म कर रहा था तो अच्छा प्लेयर है फ्यूचर स्टार ये भी इनका एक तो फोरडे बनने वाला फ्यूचर स्टार एक एथनीस और ये वर्ल्ड कप थोड़ी थोड़ी काफी लीग खेलने लगा ग्लोबल कनेडा टी ट्वेंटी तो वहां भी इसकी परफॉर्मेंस अच्छी थी, थी मैथ्यू फोर डे की बाकी यहाँ पे है एल जेरी जोसफ मिस नहीं कर सकते लास्ट टेस्ट मैं बहुत अच्छी बॉलिंग की थी और काफी एक्सपीरियंस प्लेयर है और आईपीएल में इस साल पता है कि बैंगलोर ने दस या ग्यारह करोड़ में बाय भी करा है तो थोड़ी वैल्यू भी है भाई मिस नहीं कर सकते बैटिंग भी कर लेता है हेडन वॉल्च और मोटी में से कोई एक खेलेगा देखते हैं पिच में अगर ज़्यादा स्पिन होगी तो यहाँ पर शायद एक प्लेयर को बिठा के दो स्पिनर के साथ जाए अगर नहीं तो फिर एक स्पिनर देखते हैं वॉल्च के साथ जाती है मोटी इनमें थोड़ी बैटिंग अच्छी वॉल्च कर लेता है पर मोटी के पास क्वालिटी अच्छी है मोटी ने मुझे ज़्यादा इंप्रेस करा है अभी रिसेंट इंडिया टूर उठा के देख लो चाहे इंग्लैंड मोटी ने भाई बड़े बड़े बैट्समैन को फंसाया तो इसके पास वो क्वालिटी है और इसके पास वो एबिलिटी है कि बड़े बड़े बैट्समैन को फंसाना जानता है कैसे आउट करना है बैटिंग दोनों ही कर लेते हैं वॉल्च की थोड़ी बैटिंग ज़्यादा बेटर है ओशन थॉमस का सेम सेम वही जिनका लेंस मोबरिस हो गया इधर से ओशन थॉमस हो गया पेस पे डिपेंड करते हैं बहुत अच्छे पेस है अगर वेस्ट इंडीज पहले बॉलिंग कर रहे हैं तो ध्यान रख के चलना है थॉमस ऐसा बॉलर है जो तीन चार विकेट भी ले सकता है थोड़े रन देता है बट विकेट लेना जानता है डेथ पंद्रह से बीस ओवर की सॉरी चालीस से, से पचास ओवर के बीच में फॉर्डे थॉमस जोसेफर शेफर्ड बॉलिंग करेंगे देन यहां पे है बेंच में टी जोसेफ टी बिशप सॉरी टी बिशप इंपॉर्टेंट बोलोगे तो होप शेफर्ड फोर्डे जोसेफ और यहां पे अगर वेस्ट इंडीज पहले बॉलिंग करे तो थो थॉमस बाकी ये गेम चेंजर रहेंगे दोनों में से कोई भी स्पिनर खेलता है तो देखो तो फिलहाल आपको एक स्मॉल लीग की टीम प्लस में ग्रैंड लीग की चार टीम दूंगा आप सेम टीम को किसी भी ऐप पे लगा सकते हो कोई क्रेडिट का इशू नहीं है अगर आप सेम टीम का किसी भी ऐप पे जा सकते हो बट मेरी जो इन्वेस्टमेंट रहेगी सेम विजन इलेवन ऐप पर रहेगी मैं ऑलमोस्ट चार साल होने वाले ऐप में खेलते बहुत अच्छी अर्निंग्स करिए विनिंग्स करिए आप इस ऐप में खेल के अच्छी खासी अर्निंग्स और विनिंग कर सकते हो हमारी तरह

इंग्लिश का बैटिंग ऑर्डर नीचे मिनी ग्रैंडली ग्रेनिंग में ट्राई करेंगे तीन बैट्समैन इसमें लाभू शन की रिसेंट फॉर्म अच्छी नहीं चल रही थी तो बैट बाकी बैट्समैन में और कोई अच्छा ऑप्शन भी नहीं है तो इसलिए मैं तीनों के साथ जा रहा हूं तीन बैट्समैन मिनिमम लेने हैं तीन ऑलराउंडर ये लिए मैंने हार्डी का थोड़ा बैटिंग ऑर्डर नीचे रहेगा और बॉलिंग में शायद पूरे ओवर ना करे इसके अलावा मैंने लिया है जम्पा जोसेफ एबर्ट और थॉमस को मुझे चार वेस्टइंडीज के मिनिमम लेने पड़ेंगे तो मैंने चार वेस्टइंडीज के ये लिए हैं एक दो तीन चार अगर वेस्ट इंडीज पहले बैटिंग करे तो यहाँ पे आप इसको ड्रॉप करके मोटी या फिर आप वॉश के साथ भी जा सकते हो अगर पहले बॉलिंग करे या फोर डे तो ये ध्यान रख के चलना ये चौथा ऑप्शन रहेगा मेरा कैप्टन जो रहेगा मेरा वो है यहाँ पे आप चाहो तो यहाँ पे क्या कर सकते हो एबर्ट की जगह लेंस मॉरिस या फिर बाटलेट को भी प्रेफर कर सकते हो क्योंकि रिसेंट फॉर्म बाटलेट की अच्छी रही थी बिग बैश में एबर्ट से कैप्टन जो मेरा है वो है मेरा यहाँ पे अ दोनों में ओपनर को कंसिडर कर रहा हूं क्योंकि दोनों ही अच्छी फॉर्म में दोनों पार्ट टाइम बॉलिंग भी कर लेते हैं बैटिंग भी करेंगे और ओपनिंग करने आएंगे और इनमें से अगर किसी को करना है तो ग्रीन एक अच्छा ऑप्शन है शायद मैं ग्रीन को भी कर सकता अगर ऑस्ट्रेलिया पहले बैटिंग करे शेफर्ड एक अच्छा ऑप्शन है अगर ऑस्ट्रेलिया पहले बैटिंग करे क्योंकि डेथ से बॉलिंग करे प्लस बैटिंग से कॉन्ट्रीब्यूट करेगा होप पे भी नजर बनाए रखना ये दो ही वेस्ट इंडीज से अच्छे ऑप्शन है स्मिथ को आप कंसिडर भी कर सकते हो स्मिथ की कैप्टन है और अभी इसकी फॉर्म टेस्ट मैच में अच्छी हुई थी बाकी मैंने जो टीम कंसीडर करी है एक टीम के मैक्सिमम दस प्लेयर ले सकते हो मैंने क्या करा है यहाँ पे पूरी टीम में मैंने बस एक चेंज करा है थॉमस को ड्रॉप करके यहाँ मैंने मॉरिस को ले लिया या फिर बार्टलेट को लूंगा ठीक है ये चेंज कर सकता हूँ बाकी मेरी पूरी टीम से ये मेरी ड्रीम ऐप की टीम है बिल्कुल सेम टेन प्लस वन कॉम्बिनेशन वाली ये ग्रैंड लीग की टीम वन हो जाएगी आपके लिए ये ग्रैंड लीग की टीम टू रहेगी आपके लिए ये टीम थ्री बाकी जो फाइनल टीम होगी वो आफ्टर डॉस टेलीग्राम पे दूंगा टेलीग्राम चैनल ध्यान से ज्वाइन कर लेना लिंक वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा सबसे ऊपर ब्लू कलर का लिंक होगा जैसे इसे क्लिक करोगे टेलीग्राम चैनल ओपन हो जाएगा धन उसको ज्वाइन कर लेना तो मिलते जीन दोस्तों बाय और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और एक शेयर जरूर करके जाना